जो आज दोपहर 12 बजे तक दिया हुआ अल्टीमेटम सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। राजभर चुनाव में 5 सीटें मांग रहे हैं और यहां पर राजभर योगी सरकार में सहयोगी हैं। राजभर की पार्टी है, आपको बता दें कि यहां पर आज दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम है, सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर से बात की इंडियन न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कहा है कि अगर 5 सीटों पर समझौता नहीं हुआ तो उनकी राह अलग होगी। ओम प्रकाश जी, ये आप धमकी रोज रोज देते रहते हैं, इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले? आप अभी कुछ दिनों पहले धमकी दी थी तो बेटों को एडजस्ट कर दिया गया तो आप मान गए, अब आप कह रहे हैं कि आप 5 सीटें दीजिए। देखिए, 19 तारीख को दिल्ली मुझे बुलाया गया, अमित शाह जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हमने कहा कि आज जो कुछ भी करना है तय कर लीजिए, तो आज आर पार हो जाए कि यस और नो। तो कब करेंगे, मतलब शाम को करेंगे, दोपहर में करेंगे? 19 तारीख को जो बातचीत तय हुई तो फिर उन्होंने निगम की बात किया कि हम कल सीएम को बुला करके देखते हैं, हम के बुला के देखिए, नहीं आज सीटों के संबंध में फाइनल कर लीजिए। उस दिन उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को हम लोग तय करेंगे, हम लोग फिर बैठते हैं। हमके अब तो आचार संहिता लागू हो गई, अब आने वाले दिनों में आप 26 तारीख को बैठक अगर करेंगे तो फिर इसके संबंध में जनता को क्या जवाब दिया जाएगा? अब तो चुनाव के बाद आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कोई सलूशन निकालिए। तो 26 फरवरी से लेकर आज 26 मार्च हो गया और भाजपा को भी एहसास हो जाए कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो हम तुच्छ समझते हैं वो चीज नहीं है, ओम प्रकाश राजभर अगर मेरा साथ छोड़ा तो मेरा क्या हसर हुआ, उनको भी एहसास हो, वही जाएंगे। चलिए, हमें इंतजार रहेगा। शायद हम भी ये उम्मीद करेंगे कि कई बार से लगातार ओम प्रकाश राजभर जी की नाराजगी दिखी, लोगों ने भी दिखी, भाजपा ने भी देखी, लेकिन कैसे एडजस्ट हो जाते हैं ये खुद ही समझ सकते हैं। आज एक बार फिर से वो नाराज हैं, उन्होंने शाम तक अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ये देखना अच्छा खासा दिलचस्प होगा कि आखिर कल ये क्या निर्णय लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। खबर गोवा से है, जहां पर मंगलवार को आधी रात के बाद जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार में अहम सहयोगी रही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया है। 3 विधायकों वाली एमजीपी के 2 विधायकों मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर ने अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर लिया है, विलय कर दिया है। देर रात करीब 2 बजे विधायकों ने अपना हस्ताक्षर पत्र स्पीकर माइकल लोबो को सौंप दिया। हालांकि पार्टी के 3रे विधायक सुदीन हस्ताक्षर नहीं करते हुए नजर आए। गवालिकर बीजेपी के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में डिप्टी सीएम है, तो ये बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला गोवा के अंदर। मंगलवार को आधी रात के बाद ये जबरदस्त सियासी ड्रामा कहा जाएगा, क्योंकि गोवा की जो प्रमोद सावंत सरकार है उसमें बहुत ही अहम सहयोगी है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो बीजेपी में विलय करती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मनोहर दीपक पवास्कर ने बीजेपी का पूरी तरह से दामन थाम लिया है। इन दोनों ने स्पीकर माइकल लोबो को अपना हस्ताक्षर पत्र सौंप दिया। गोवा में एमजीपी के 3 विधायक हैं, लेकिन 3 में से 2 विधायक जो है हस्ताक्षर पत्र स्पीकर को सौंपते हुए नजर आए। और आज की एक और टॉप स्टोरी आपके सामने पहुंचा दें, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी हुई यह खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कस दिया है नीरव मोदी पर। पीएनबी के 13,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे हुए नीरव मोदी की 68 पेंटिंग्स की नीलामी मुंबई में कर दी गई है और इन पेंटिंग्स के जरिए आपको बताएं करीब 59 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। सबसे महंगी पेंटिंग अगर हम आपको बताएं तो वीएस रायटोंडे की बनाई गई है। ये पेंटिंग बिकी है 25 करोड़ 24 लाख रुपए में और दूसरी पेंटिंग आपको बताएं 14 करोड़ रुपए में बिकी है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि नीरव मोदी पर इनकम टैक्स का करीब 97 करोड़ बाकी है। इन पेंटिंग्स के जरिए करीब
59 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है। मजदूर नीरव मोदी का आज कई सारी पेंटिंग नीलाम हो रही है, वही जगह है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से सर्कल आर्ट जो मुंबई डुमरी इलाके में जगह है, और इस जगह पर आप देख रहे हैं तमाम यहां पर लोग जो है वह आने आना शुरू हो चुके हैं। इनका ये लोग एक साथ में यहां पर बोली लगे की करीबन जो जानकारी मिली 68 जो पेंटिंग है नीरव मोदी की जो महंगी पेंटिंग है उसकी नीलामी यहां पर की जाएगी। नीलामी के लिए तमाम लोग यहां पर आ चुके हैं और बोली भी कसरत शुरू हो चुकी है और ये कई घंटों तक चलेगी। और यह देख रहे हैं इसलिए बड़े बड़े बोर्ड और यहां पर तमाम इंतजाम किए गए कि जो लोग भी यहां पर आएंगे उन लोगों के लिए खास इंतजाम किया गया है। और इसीलिए करीबन जो इसकी बेस प्राइस रखा गया है जितनी 68 जो इसकी पेंटिंग से जो महंगी महंगी पेंटिंग से नीरव मोदी की वह करीबन 90 से 100 करोड़ के आसपास रखी गई है, लेकिन अब उसकी बोली लगने के बाद कितने करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है यह देखना होगा। देखिए पूरी जो प्रोसेस था ईडी ने सीज किया था, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स ने भी इस पर मामले पर तमाम कार्रवाई की थी, इसलिए इनकम टैक्स ने ईडी से एनओसी ली। एनओसी के बाद जब बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आज जो भगोड़ा नीरव मोदी है करीबन 12,000 करोड़ रुपए का पीएनबी का बैंक घोटाला लेकर वो देश से फरार है, हालांकि अब वह पुलिस की गिरफ्त में है, इंग्लैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आज मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है और कह सकते हैं उसकी जो पेंटिंग्स है वह यहाँ पर नीलामी की जा रही है और यहाँ पर सब कुछ सच तैयार हो चुका है। लोग बोली लगाने के लिए भी यहाँ पर आ चुके हैं, लगातार यहाँ पर लोग बोलियां लगाने शुरू कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव का हमला, जम्मू कश्मीर की पार्टियों पर यह हमला है, बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं। राम माधव, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। ये बड़ा हमला किया गया है राम माधव के द्वारा। यू टिकेस टू मेनी डायनास्टिक एस्पिरेंट्स। आपने कहा कि रीजनल पार्टीज का जो रोल है वो काफी ड्यूबियस है, मशकूक है, क्या अर्ली 90 से मिलिटेंसी के दौरान अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर लोगों के साथ चाना बचाना चले, बीजेपी तब कहां थी? क्योंकि असली जो तमन्ना है, असली जो इच्छा है, इसको आज भी समझते नहीं है। आज भी इनकी वाणी जो पुरानी रही है उसी वाणी को वो दोहरा रहे हैं, ये सोचकर कि उसी से उनके राजनीतिक फायदे उसी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये दो रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है, दिल्ली में मोदी सरकार। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है, दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है। और 370 हो 35 ये हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते, इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, महबूबा जी को भी चुनाव लड़ना है तब तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, तब 35 ये उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 370 बड़ा इश्यू नहीं है। मित्रों, ये लोग अपने फैमिली अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ देखने वाले नेता है। रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी का विशेषाधिकार बीजेपी के ही पास नहीं है। कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे पर मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट क्या कुछ किया है मायावती ने बीएसपी सुप्रीमो, वो आपके सामने है। कांग्रेस पर आरोप कि उसका गरीबी हटाओ 2 का जो नारा है वो चुनावी धोखा है। ये सच है, परंतु क्या चुनावी धोखा? उसके बाद लिखती हैं, वादा खिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास है ही है और दोनों ही पार्टियां एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर लेते हैं, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को एक ऑटो चालक को रोकना भारी पड़ गया। गलत साइड से ऑटो चला रहे ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने रोका, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। और पहले तो ऑटो चालक ने ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी की, उसके बाद उसने कुछ दोस्तों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर डाली। फिलहाल जवान का इलाज में अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऑटो चालक जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां पर एक नेता की टोल प्लाजा पर दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल टोल प्लाजा पर टोल मांगने से पूर्व विधायक आग बबूला हो गए और टोल प्लाजा कर्मचारियों को जमकर पीटा। पूर्व विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, तो मामला दर्ज हो गया है पूर्व विधायक के खिलाफ। तमिलनाडु से यह खबर है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उसी टोल प्लाजा की, जहां पर विधायक साहब से जब टोल की फीस मांगी गई तो उन्होंने उसको देने से मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया बल्कि टोल कर्मचारियों के साथ झड़प भी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर है, जहां पर एक मदरसे में फूड पॉइजनिंग की वजह से 72 बच्चे बीमार हो गए हैं। और यह भी जानकारी दे दें कि औरंगाबाद के राबिया लील बनात मदरसे में ये मामला सामने आया है। बताया यहां पर यह जा रहा है कि बच्चों को कोई दावत दी गई थी, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई खाना खाने के बाद। फिलहाल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आखिरकार खाने में ऐसा क्या मिला हुआ था जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ गया। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।